नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बीज कॉलेज प्रतापगढ़, एक बार फिर आपके सामने इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख क्रांतिकारी अमर शहीदों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिनका जिक्र करने जा रहे हैं वो हैं केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट का जन्म नवंबर 1872 में मेवाड़ राज्य की शाहपुरा रियासत के ग्राम देवपुरा खेड़ा में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहट ने अपना सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चुमटिया के रूप में सोटे लेकर लॉर्ड कर्जन को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट इन्हीं के पुत्र थे। इनका समस्त परिवार राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में न्योछावर हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में अपना संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। आगे हम चर्चा करते हैं राव गोपाल सिंह खरवा की। राव गोपाल सिंह खरवा एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे गुप्त सैनिक संगठन वीर भारत सभा से जुड़े हुए थे। राव गोपाल सिंह का मुख्य कार्य क्रांतिकारी के लिए अस्त्र की व्यवस्था करना था। क्रांतिकारी ने फरवरी सन 1915 को समस्त भारत में एक ही दिन सशस्त्र क्रांति का निर्णय लिया था। अजमेर नसीराबाद पर कब्जा करने का उत्तरदायित्व गोपाल सिंह व उसके सहयोगियों को सौंपा था, किंतु इस योजना की सूचना अंग्रेजों को लग जाने के कारण गोपाल सिंह खरवा गिरफ्तार हुए, लेकिन वो अवसर पाकर फरार हो गए और ज़्यादा दिन तक वो बाहर नहीं रह सके। उन्हें 1920 में दोबारा नज़रबंद किया गया। आगे हम चर्चा करते हैं सागरमल गोपा की, जिनका जन्म जैसलमेर के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राष्ट्रीयता की भावना उनमें कूट कूट के भरी थी और उस समय के जो शासकों की जो गलत नीतियां हैं उनका वो खुलेआम विरोध करते थे और अखिल भारतीय देशी राज लोक परिषदों के अधिवेशनों में भाग लेकर उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। असहयोग आंदोलन में भी सागरमल गोपा ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें सन 1941 में राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार किया गया और जेल में कठोर यातना के कारण अप्रैल 1946 में वो शहीद हो गए। हरिभाव उपाध्याय, इनका जन्म ग्वालियर राज्य के मोरासा गांव में 1893 में हुआ था। 1920 से 1925 तक वे गांधी जी के सानिध्य में रहे और सन 1926 में राजस्थान आ गए। यहाँ आने के बाद वे यहीं के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहे। 1927 में उन्होंने हटुंडी, जो कि अजमेर में है, यहाँ पर एक गांधी आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के आदेश पर वे नमक सत्याग्रह में भाग लेकर जेल गए। आज़ादी के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री रहे तथा अजमेर का बृहत राजस्थान में विलय होने के बाद भी राजस्थान के मंत्रिमंडल में बने रहे। सन 1972 में उनका निधन हो गया। आगे हम चर्चा करते हैं गोकुल भाई भट्ट की। गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1899 गोकुल भाई भट्ट का जन्म 1899 में सिरोही राज्य के हातल ग्राम में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का, नमक सत्याग्रह, मद्यपान निषेध, धरना आदि गतिविधियों का नेतृत्व किया और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी की। देशी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष भी रहे। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का शेर जिन्हें कहा जाता है वह है जयनारायण व्यास। तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे।
इनका जन्म भी 1899 जोधपुर में हुआ। सामंतशाही के खिलाफ लोगों को आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने जगाया। जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के साथ रियासतों में उत्तरदायी शासन के लिए आवाज़ उठाई और सन 1927 में तरुण राजस्थान पत्र के संपादक बने। 1951 से 54 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वे जीवन पर्यंत राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी जनता की सेवा में लगे रहे। 1963 में उनका निधन हुआ। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 1900 में उदयपुर में हुआ। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे और अनेक बार उदयपुर में सत्याग्रह चलाते हुए गिरफ्तार हुए। उन्होंने हल्दीघाटी में बम बनाने की प्रक्रिया स्थानीय युवकों को सिखाई। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भारतीय संविधान निर्मात्र सभा के सदस्य भी रहे। बलवंत सिंह मेहता एक अच्छा पॉइंट है कि वे भारतीय संविधान निर्मात्र सभा के सदस्य भी रहे, तो डेफिनेटली मेवाड़ से रहेंगे। 2003 में उदयपुर में इनका निधन हो गया। अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं भोगीलाल पंड्या की, जिन्हें बांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। बांगड़ जैसा कि आप जानते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं। इनका जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ। 15 वर्ष की आयु में डूंगरपुर में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। बागड़ सेवा मंदिर के नाम से विद्यालय प्रसिद्ध हुआ और रियासती शासन के विरुद्ध उन्होंने अनेक सभाओं का आयोजन किया। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1944 में किया। राजस्थान के मंत्रिमंडल में वे मंत्री रहे। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। एक सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व थे। तो मित्रों, अभी जो हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा की, वो राजस्थान के इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए।